तो नमस्कार किसान भाइयों, मैं पहुंच चुका हूं नितेश कृषि फार्म में। आप लोग देख सकते हैं भाई, इधर पपीता की खेती लगा हुआ है और इधर जो है टमाटर की खेती लगा हुआ है। काफ़ी अच्छा शानदार दिख रहा है, लेकिन अभी इसकी जो रेट है वो काफ़ी गंभीर हालत है दोस्तों। तो काफ़ी बड़ा और काफ़ी फेमस ये कृषि फार्म है जो अलग अलग तरह की खेती के लिए जानी जाती है। तो चलिए दोस्तों घूमते हैं और आप लोग को भी घुमाते हैं। दोस्तों देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा फल लगा हुआ है एक ही पेड़ में, और ऐसे ऐसे तो बहुत सारा पेड़ है। चलिए आपको घुमाता हूँ। मैं काफ़ी दूर सारे नहीं भाई आधुनिक तरीके से यहाँ पर देखिए बल्ली को देख सकते हैं, काफ़ी पतला है जो आमतौर पर ग्रामीण इलाके में काफ़ी मोटा होता है। और यहाँ पर रस्सी देखिए, दोनों तरफ बल्ली लगा हुआ है, काफ़ी अच्छा सिस्टम। देखिए इनका रस्सी जो है, देखिए काफ़ी महंगा और काफ़ी मजबूत रस्सी है दोस्तों। इन लोग जो प्लांट तैयार करते हैं वो काफ़ी अच्छा नर्सरी वाला प्लांट तैयार करते हैं। देखिए इनका जो पौधा शुरुआती जो छोटा सा स्टेज में काफ़ी अच्छा कंसर्ट दिया हुआ है, और इनको सहारा के लिए एक रस्सी से बांध दिए होते हैं। दोस्तों तो आप लोग देख सकते हैं अभी कीटनाशक दवाई छिड़काव किए हैं ताकि कीड़ा ना लगे इसमें, और काफ़ी बुरी तरह से इनको नहलाया जाता है। तो दोस्तों इन लोग ये दवाई चला रहे हैं जिनका नाम है जर्मन पावर, जो थ्रिप्स और माइट्स को कंट्रोल करता है। माइट्स का मतलब होता है मकड़ी, मकड़ी को कंट्रोल करने का काम करते हैं, और ये जो उसमें कीड़ा लगा होता है उसके लिए है। अंडे फार्म वाले दिमाग ये लगाते हैं कि दिसंबर में जो टमाटर लगाते हैं वो अभी फल नहीं देगा, वो देगा जनवरी और फरवरी के माह में। तो अभी की जो टमाटर है वो काफ़ी कम रेट में बिक रहा है, इसके बाद जो टमाटर निकलेगा वो काफ़ी अच्छा रेट पाने के मतलब आशंका है। तो चलिए दोस्तों इस फार्म के जो किसान भाई हैं उनसे बात करते, सलाह लेते हैं और जानकारी लेते हैं कि इस प्रकार की खेती करते हैं। दोस्तों माइक के भाव में हमारा जो वॉइस रिकॉर्डिंग था काफ़ी कमज़ोर था, तो किसान भाई से बात किया तो उन्होंने बताया कि तो खेती के लिए सबसे ज़रूरी तो ड्रिप सिस्टम होता है, ड्रिप के बिना कोई भी खेती उन्होंने मतलब ना करने की बोली। तो दूसरा पॉइंट किसान भाई ने ये बताया कि कोई भी खेती करोगे तो कम से कम 3 से 4 एकड़ के ऊपर ही आप लोगों को करना चाहिए, ताकि जो भी पैदावार होता है उसे खरीदार जो आता है वो कम से कम पूरा गाड़ी खरीद सके। दूसरा पॉइंट किसान भाई ने ये बताया कि किसान भाइयों को दवाई की जानकारी जरूर होनी चाहिए, उसमें उस दवाई में कौन सा मिनरल मिला हुआ है, कौन सा उसमें तत्व मिला हुआ है, इनकी जानकारी उन्हें होनी चाहिए। किसान भाई ने ये भी बताया कि हमारे तरफ जो है पपीते की खेती काफ़ी कम होती है, जबकि पपीते की खेती में काफ़ी ज़्यादा मुनाफा मिलता है। दोस्तों किसान भाई ने ये भी बताया कि पपीते की खेती में 9 से 10 रुपये किलो भी आपका पपीता कट रहा है तो काफ़ी अच्छा रेट मिलता है, और अगर उससे ऊपर भी हो गया तो काफ़ी अच्छी बात होती है। तो यह किसान भाई है जो हरियाणा राज्य से आए हुए हैं हमारे छत्तीसगढ़ में, और काफ़ी अच्छा अनुभव है इनको, 12 साल हो गया इनको यहाँ पर फार्मिंग करते हुए। इन्होंने ये भी बताया कि यहाँ का वातावरण है काफ़ी अच्छा होता है और काफ़ी स्वच्छ होता है, और यहाँ के लोग भी काफ़ी ईमानदार होते हैं। इन्होंने जो टमाटर लगाया है उनसे पहले उन्होंने मिर्ची की खेती लगाया हुआ था, जो थ्रिप्स के कारण काफ़ी ख़राब हो गया था, इसलिए उन्होंने टमाटर खेती करना स्टार्ट किया था, क्योंकि अभी टमाटर की जो रेट काफ़ी कम है, लेकिन 2-3 महीने में आने वाले समय में उनका रेट काफ़ी बढ़ सकता है, इसीलिए उन्होंने टमाटर खेती किया हुआ है। तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।